512 तारों की ये एक ठौनी जो है तैयार होती है जी। तो मैदे के खमीर पर घी लगाने के बाद चाचू ने एक लेयर का कट लगाया, खमीर की एक लंबी सी लेयर बनाई जा रही है जो कि घी में फुल लोड हुई हुई है। और हाथ की मदद से इसकी एक तार सी बनाई जा रही है। ये देखें जी कैसे इसकी लेयर बन रही है और घी भी साथ इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये रोल की है और रोल करके इसे भी तैयार कर लिया। ये दो लेयर्स जो हैं तैयार हो गई हैं, अब तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। ये देखें छुरी की मदद से जो है खमीर को कट लगाया गया है और ये खमीर की एक और लेयर तैयार होने के लिए रेडी की जा रही है। ऊपर घी लगा रहे हैं और घी के साथ इस लेयर को बिल्कुल एक तार सी बना रहे हैं इसकी। ये लें जी ये भी तैयार हो गई। इसी तरह जो है ये सारे के सारा जितना भी खमीर है सभी तैयार करके रखेंगे और फिर इसका नेक्स्ट जो है प्रोसीजर वो बाद में किया जाएगा। चाचू ये की कर रहे वाला? एक तार बना रहे हैं। एक तार बाद में दो बन जाएंगे। अच्छा दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ बन जाएंगे। ठीक अच्छा ये पहले जो है ना सिंगल तार बना रहे हैं इसकी खमीर की। जी तो अब इसके बाद तारों का सीन जो है ऑन हो गया है और तारें तैयार कर रहे हैं। इस लेयर को मज़ीद बारीक किया जा रहा है, ऊपर मज़ीद घी लगा दिया, एक लंबी सी तार बना दी है, एक तार की काफ़ी लंबी जो सिंगल तार बनाई थी उसकी डबल तार बना दी गई है अब। और दो की ये कितनी चार हो गई अब? आठ हो गई। ये दो तारों की जो है चार तारें बना दी हैं और चार की ये आठ तारें बना रहे हैं। ये लें जी ये आठ तारें बन गई जी। तो फाइनली पेड़े बन के जो है एक परात में आ चुके हैं। पेड़े देखें आप बिल्कुल रोल हो चुके हैं, फ्योनियों के पेड़े हैं ये। और पेड़ों को भाई अब जो है कढ़ाई में डाल रहे हैं और कढ़ाई में डाल के ये तैयार होंगे। अच्छा ये पेड़ा चेक करें आप भाई, जो है इसकी शेप दे रहे हैं रोटी सी की, ये देखें आप ये ऊपर ऐसे इसके ऊपर तारें बनी हुई हैं। ये टोटल जो है 256 तारें हैं। अच्छा जो पहले फ्राई हो चुकी है यानी कि थोड़ी सी शेड दे गई है ब्राउनिश, वो अब लेंगे भाई और इसके ऊपर डालेंगे। यानी कि ये दो फ्योनी को मिला के एक फ्योनी बन रही है जी। तो फ्योनियाँ जो है तैयार हो चुकी हैं और फ्योनियाँ तैयार होने के बाद भाई वो देखें बड़े सारे थाल में इसको डाल रहे हैं और ऑयल देखें ऑयल में इसमें से निकल रहा है क्योंकि थाल में जो है भाई ने वो छोटा सा सुराख किया हुआ है और वहाँ से नुचड़ के दोबारा कढ़ाई में जा रहा है। भाई ये फ्योनी के रेट बताइएगा भाई। ये 500 रुपये के जी है। 500 रुपये के जी। और ये एक जो है ये कितना वेट होगा इसका? तकरीबन एक पाव का आता है। पाव होगा, पाव लेनी है, एक पीस लेना हो, एक ले सकता है, आधा किलो, जितनी अपनी अपनी रेंज होती है, जितनी लेनी हो ले सकता है। अच्छा अपनी ना लोकेशन बता दीजिएगा किस जगह पे मौजूद है भाई? ये रिगर रोड है, नारकली चौक है, साथ ही रिगर रोड डिगलसपुरा ठंडी कोई दरबार है हमारे पास। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम हमारा? आपने कंप्लीट मेकिंग देखी फ्योनियों की और ये पैकिंग देखें आप इनकी, मैं आपको पैकिंग दिखाता चलूँ, ये चेक करें आप। तो ईद के त्यौहार पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली आइटम है ये फ्योनी। तो आपने जब भी फैसलाबाद आना है इनके भाई के पास आए हैं कि स्पेशल फ्योनियों जो हैं वो लाजमी आप ट्राई करें।